अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बाको बाको प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बाको अटल नगर जिला भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मेन कौन है इसमें बनय सिंह पहलवान जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा। आज मैं जिलाध्यक्ष की भूमिका में हूं क्योंकि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं कपिल वाजपेयी जी उनको आज साजिश के तहत एक्सीडेंट कराया गया। उनके कोल्हू में जो फ्रैक्चर आया है उसकी वजह से वो नहीं आए। किसने कराया एक्सीडेंट? जिन लोगों को बाह में जिला बनाने से परहेज है, जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ जिला बने बाह में, उन लोगों ने ये सब कराया है। ये किस जगह हुआ है? ये अब उनके घर से बाहर निकलते ही मेन रोड पर पेट्रोल पंप के सामने तीन लोगों ने उनमें धक्का दे करके और एक्सीडेंट किया है। तो आपकी आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि ये जब घोषित जिला है तो केवल हम घोषित जिले को याद दिलाने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है जिला क्यों नहीं बना रहे। कई बार इसकी घोषणाएं हुई, यहाँ से लोग 100 किलोमीटर दूर आगरा में सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। महाविद्यालय यहाँ होना चाहिए, बच्चों की अव्यवस्था है, यहाँ स्वास्थ्य की अव्यवस्था है। अगर कोई आदमी वहाँ अगर अपनी तारीख करने जाता है जुडिशियल में तो सुबह निकलता है और रात को घर लौटता है, उसके साथ कोई भी इंजरी हो सकती है क्योंकि दुश्मनी के मामले बड़े ठीक नहीं होते हैं। बाको जिला बनाने में आपकी पार्टी क्या सहयोग कर रही है, क्या उसकी रणनीति है? हमारी देखो, अगर हमारी पार्टी इस प्रदेश में आती है तो फिर हमें ये कोई जरूरत नहीं है कि हमारी पार्टी क्या करे, फिर तो हमारी पार्टी इसका पूरी तरह से उद्धार करेगी बाह का। लेकिन जब तक पार्टी नहीं है तब तक हम उस पार्टी से मांग कर रहे हैं जो पार्टी अटल जी के नाम से आज जो है खूब मजे ले रही है, उनके नाम से खूब मलाई खा रही है टकाटक, कि वो लोग कहाँ से हो गए कि पहले ये घोषित हुआ है जिला, आज इसको बनवा क्यों नहीं रहे? नहीं, आपकी पार्टी जिला बना सकती है अगर पार्टी सत्ता में आई आप। हाँ, पार्टी सत्ता में आई तो हम अपनी पार्टी से पूरी तरह से निवेदन करेंगे और वो पार्टी हमारी इस बात को मान लेगी कि 100 किलोमीटर दूरी पर ये लोग बसे हुए हैं, ये सारी सुविधाओं से वंचित हैं, यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, तो हमारी पार्टी जिला जरूर बनाएगी। बहुत ठीक। मैं प्रदेश सचिव हूँ और प्रभारी आगरा। आज पहली बार मीटिंग का ऐलान किया गया यहाँ, क्योंकि एक आंदोलन चल रहा है अटल जी के नाम का। यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें देखी। SDM अपनी मनमानी कर रही है, DM दूर बैठे हुए, यहाँ तक वो पहुँचना नहीं चाहते। जितने भी प्रस्तावित जमीन थी वो यहाँ नाप की गई है और लोगों से सुनने में आया कि वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। ऐसा आम आदमी नहीं कर रही थी। सिर्फ एक साल की बात, एक साल में ये जनता इनको पलटेगी, शासन सत्ता को पलटेगी और ये अटल नगर बनेगा, अटल जिला बनेगा और यहाँ पर वही विकास की सारी चीजें आएंगी जिसको कि मूलभूत सुविधाओं के साथ जो लोग चाहते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।